Recording. पिछले कंट पे मैंने जितना पढ़ाया था उसके आगे मैं बता रहा हूँ। अरे सुबह यस सर। हेलो। यस सर। सुभान, एक चीज मैं कह रहा, मैंने आपको होस्ट बनाया तो मेरा वो वही नहीं हो रहा, गैलरी से उसमें आ रहा ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। यस सर। एक ये क्या कर दिया बेटा हमने, नहीं क्या हो गया, अब आप करिए। वो शेयर नहीं हो रहा। हो जाएगा, हो जाएगा। जो गैलरी में हमारे नोट्स हैं हो जाएगा। अब हो जाएगा सर, अब करिए। पिछले टर्न में हमने पेज 29 तक हमने पढ़ाया था, उसमें हमने कॉची पीसीआर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ सर्किल सी विद सेंटर एट अ पॉइंट ए एंड रेडियस कैपिटल आर, देन यानी कोई फंक्शन एफ जेड है जिसके हर एक पॉइंट, यानी एक कोई सर्किल सी है तो उसके हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन एनालिटिक है, इसका सेंटर फंक्शन का एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन प्लस जेड माइनस ए की होल पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस अप टू सो ऑन। और ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी है, टेलर्स शायद इंटरमीडिएट में पढ़ा है और हमने भी बताया है, लेकिन यहाँ पे ये एक वेरिएबल का एक्सपेंशन है। इसको हम समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी एफ जेड इज इक्वल टू द समेशन n running from 0 to infinity an or z minus a to the whole power n, जहां पे an क्या है f की power n a upon factorial n। तो ये आपका स्टेटमेंट है टेलर्स थ्योरम का, और इस टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर कुछ आपको न्यूमेरिकल हम देखिए बता रहे हैं। लिखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शन इन टेलर सीरीज 1 अपॉन z प्लस 1 अबाउट z इज इक्वल टू द a, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 अबाउट z इज इक्वल टू द 0, और थर्ड है 1 अपॉन 4 माइनस 3z अबाउट z इज इक्वल टू 1 प्लस i। तो पहला देखिए यहाँ पे fz क्या है, 1 अपॉन z प्लस 1 है, तो f1 क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 2, क्योंकि 1 के अराउंड हमको एक्सपेंशन करना है। इसी तरीके से f डैश z क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो f डैश 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 4। इसी तरीके से f डबल डैश z हो जाएगा 2 अपॉन z प्लस 1 का होल क्यूब, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इसका f डबल डैश 1 हो जाएगा 1 बाई 4। फिर एफ ट्रिपल डैश जेड हो जाएगा आपका माइनस 6 अपॉन जेड प्लस 1 की होल पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 8। अब यहाँ पे
लिखा फोर टेलर्स इज अबाउट ए, ए के अबाउट टेलर्स इज का एक्सपेंशन है एफ जेड इज इक्वल टू दी एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे ए के प्लेस पे वन रखते हैं, हेयर ए इज इक्वल टू दी वन, तो एफ जेड हो जाएगा आपका एफ वन प्लस जेड माइनस वन एफ डैश वन प्लस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश वन प्लस जेड माइनस वन का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश वन प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी। यहाँ पे एफ वन एफ डैश वन एफ डबल डैश वन और एफ ट्रिपल डैश वन की वैल्यू रख देंगे और हमारा वन अपॉन वन प्लस जेड का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसको देखिए समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। और सेकंड वाला आपको होमवर्क में, होमवर्क के स्टूडेंट एक बार फिर से बताइए। समझ में आ गया तो आगे बताएं, नहीं आया तो पूछिए। फिर से बता दिए। एक और बता दिए सर। हाँ एक और बताएं। एक और बार बता दिए। इसमें इसी एक्सपेंस इसी एक्सपेंशन पे एक और क्वेश्चन बता दीजिए, इसको भी इसी को रिपीट कर दें या दूसरा बताएं। रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा ठीक। देखिए टेलर्स थ्योरम का है, पहले एक्सपेंशन मानो होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि ये एक्सपेंशन के लिए जो कंडीशन है एफ जेड एनालिटिक हो, और जो इन्होंने कहा इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ सर्किल। अब इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन में कह दिया है एक्सपेंड द फॉलोइंग इन टेलर सीरीज, तो आपको एक्सपेंशन मालूम होना चाहिए बस। और एक अराउंड यानी जेड इज इक्वल टू वन क्या है, ये आपका सेंटर है, किसी सर्किल का सेंटर है, तो हमको वन अपॉन जेड प्लस वन का एक्सपेंशन करना है। तो हमने सपोज कर लिया है here fz here fz is equal to the 1 upon 1 plus z fz हो जाएगा 1 upon 1 plus z और f तो z के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो f1 हो जाएगा 1 2। इसी तरीके से एफ डैश जेड का मतलब क्या है, वन अपॉन वन प्लस जेड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से वन अपॉन जेड प्लस वन का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड जेड प्लस वन को करेंगे तो वन आ जाएगा। तो इस तरीके से एफ डैश जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन 1 plus z का होल स्क्वायर, ये डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू z। अब हमने z के प्लेस पे 1 पुट किया है तो f डैश 1 क्या हो जाएगा, तो z 1 पुट करें तो 1 plus 1 का होल स्क्वायर यानी 1 4 हो जाएगा, तो माइनस 1/4। इसी तरीके से अब फिर f डबल डैश z निकालेंगे यानी माइनस 1 अपॉन z plus 1 का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये ऊपर जाएगा तो जेड प्लस वन की पावर माइनस टू हो जाएगा और माइनस बाहर है
तो उसका फार्मूला जानते हैं x की पावर n का, n x की पावर n माइनस वन तो हो जाएगा आपका माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू, हो जाएगा z प्लस वन की पावर माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस वन तो वो माइनस थ्री हो जाएगा, वो नीचे आके z प्लस वन की पावर थ्री हो जाएगा। फिर बाय सब्सटीट्यूशन मेथड z प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू वन आएगी। तो इस तरीके से f डबल डैश z की वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन z प्लस वन का होल क्यूब। तो अब हम z के प्लेस पे वन पुट करेंगे, तो जब हम z के प्लेस पे वन पुट करेंगे तो आ जाएगा f डबल डैश वन इज इक्वल टू दी वन बाई फोर, यानी z प्लस वन का होल क्यूब तो टू बाई एट हो जाएगा, तो वन बाई फोर हो जाएगा। इसी तरीके से f ट्रिपल डैश z को करेंगे तो जो f डबल डैश z आया है टू अपॉन z प्लस वन का होल क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके हो जाएगा z प्लस वन की होल पावर माइनस थ्री। फिर इसमें फार्मूला लगाएंगे तो माइनस थ्री z प्लस वन की पावर माइनस थ्री माइनस वन यानी माइनस फोर, तो हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन z प्लस वन की पावर फोर। फिर z के प्लेस पे वन पुट करेंगे तो इस तरीके से माइनस थ्री बाई एट आ जाएगा। अब टेलर सीरीज का फार्मूला लिख देंगे और अब कुछ इंफिनिटी तक जहां पे a के प्लेस पे वन रखेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी, फिर वैल्यू पुट कर देंगे हमारी सीरीज आ जाएगी। जिसमें सेकंड वाला आप करिएगा और थर्ड आपको और बताते हैं। देखिए समझ में आया तो पूछिए वरना फिर बताए। यस सर समझ गए। हाँ यस सर आ गया। मैं हाँ बेटा आ गया। और लोगों बस हाँ बेटा मैं समझ। नेक्स्ट बताएं। यस सर बताइए बताइए। सारे बकचोदी करो। ठीक है तो सेकंड वाला जो है आप करिएगा, आप नेक्स्ट बताते। अब इसके बाद थर्ड वाला है, सेकंड होमवर्क में करिएगा आप लोग अपने आप, तो हमको बताइएगा कैसा आया है क्या आया है। थर्ड वाले में क्या fz क्या है, 1 अपॉन 4 माइनस 3z है और अबाउट z इज इक्वल टू 1 प्लस i है। तो अब इसके बाद हम इसमें टेलर सीरीज का जो फार्मूला था fz इज इक्वल टू दी क्या था, fz प्लस z माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश z प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश z प्लस अप टू सो ऑन, तो z के प्लेस पे 1 प्लस i पुट कर दिया है। तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन हो गया है। अब यहाँ पे हम fz क्या है, 1 अपॉन 4 माइनस 3z है तो z के प्लेस पे हम 1 प्लस i पुट कर देंगे तो f ऑफ 1 प्लस i हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 3i। इसी तरीके से fz निकालेंगे तो 1 अपॉन x के फॉर्म में तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3z का होल स्क्वायर और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 4 माइनस 3 को करें तो माइनस 3 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो आ जाएगा 3 अपॉन पुट करेंगे यानी f डैश 1 प्लस i तो ये 3 अप टू सो ऑन।
आप उसको एक्सपेंशन में रख देंगे हो जाएगा। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन फिर आगे पढ़ाए। अरे इसको एक्सपेंड कहाँ तक करना है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए इसमें तो सबसे पहले मेन चीज ये है कि आपको टेलर सीरीज मालूम हो, ठीक है? वो टेलर सीरीज है एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए और एफ ए प्लस फिर आपका क्या है जेड माइनस ए अपॉन डैश ए। तो ए के प्लेस पे क्या है वन प्लस आई है तो हम वन प्लस आई पुट कर देंगे, ठीक है? फिर एफ जेड तो हो गया आपका वन अपॉन फोर माइनस थ्री जेड, तो z के प्लेस पे जब हम 1 प्लस i पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस 3 i। तो fz हो गया आपका 1 अपॉन 4 माइनस 3 z, तो f डैश z निकाल देंगे, यानी हम डिफरेंशिएट करेंगे z के रेस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू आएगी आपकी 3 अपॉन 4 माइनस 3 z का होल स्क्वायर। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा घर पे, अगर कोई दिक्कत हो होगा कैसे, ये वन अपॉन एक्स जैसा है तो वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर। फिर बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड फोर माइनस थ्री जेड को करेंगे जिसमें माइनस थ्री आ जाएगा, तो माइनस थ्री माइनस वन थ्री हो जाएगा, तो आ जाएगा थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर। फिर हम z के प्लेस पे 1 प्लस i पुट कर देंगे तो वो सिंप्लीफाई होके जो आएगा वो आ जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस 3i का होल स्क्वायर। तो अब हमने जो सीरीज लिखी है उसमें एक स्टेप और लिखा है, तो ये f डबल डैश z है वो आप घर पे करिएगा और फिर उसमें z प्लेस 1 प्लस i पुट करिएगा, और अगर वो आता है 3 अपॉन 1 माइनस 3 आई का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 आई का होल स्क्वायर, तो ये आपका सही है, ठीक है? यस सर समझ गए। यस सर यस सर। तो सिंपल मैं कहते हैं सबसे ये जो टेलर्स सीरीज है वो कभी-कभार आते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज का प्रूफ नहीं है कोर्स में, तो हम आपको स्टेटमेंट समझाते हैं, इसका स्टेटमेंट भी नहीं आता है प्रूफ आता, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहले स्टेटमेंट समझिए, ठीक है? थ्योरम क्या है लिखा है, रिंग रिंग होती है तो बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सी वन एंड सी टू, सी वन है जो सेंटर है यानी सेंटर का ए, तो जो एनालिसिस क्या हो गया जो रिंग का चैन है उसे कहीं पे भी है के अंदर पॉइंट, देन fz इज इक्वल टू दी समेशन n प्लस समेशन, और जो जो पहला दूसरा है उसको, इसमें मेन चीज आपको दो फार्मूले मालूम होना चाहिए, जो पहला और दूसरा फार्मूला है। और जैसा कि हमने आपको उसमें बताया भी था जब आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहे थे एलजेब्रिक फंक्शन, तो उसमें एक दो फार्मूले आपको बताए थे 1 प्लस x का होल इनवर्स और 1 माइनस x का होल इनवर्स, तो यहां पे भी वही पोर्शन चलता है
वन प्लस जेड का होल इनवर्स और वन माइनस जेड का होल इनवर्स, ठीक है। इस दो फार्मूलों को याद रखिएगा बस, और ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर से स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक एफजेड है जो कि एनालिटिक है, एक क्लोज रिंग है बाउंडेड बाय कंसेंट्रिक सर्किल जिसका सर्किल है C1, C2, उसकी रेडियस है R1, R2, और वहां और जेड कोई पॉइंट है एनएलएस पे, एनएलएस का मतलब डेंस पोर्शन में, यानी जेड कोई पॉइंट है तो उसका एफजेड क्या हो जाएगा, एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर है प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, यहीं पे लगा देना था, एन इज इक्वल टू दी वन टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ये एक स्टेटमेंट बस ध्यान रखिए, बाकी न्यूमेरिकल करने का अलग तरीका है वो आपको हम अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसके दो फार्मूले पहला और दूसरा ये ध्यान रखिएगा, सर ये क्या लिखा हुआ है कहां पे, ये जो है ये जो आपका ये प्रिंसिपल पार्ट है इसमें ये एन और बी एन की वैल्यू लिखी है, यानी एनालिटिक पार्ट में जो ए एन है उसकी वैल्यू होती 1/2 πi क्लोज इंटरवल C1 एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी डब्ल्यू, और बी एन है आपका 1/2 πi क्लोज इंटीग्रल C2 एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू पावर माइनस एन प्लस वन। ये अगर प्रूफ होता अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे यहाँ पे अभी आपने जिस पे येलो से मार्क किया है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है वन माइनस जेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जेड जो है वन से छोटा है, तो यहाँ पे हम जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे लेस देन वन हमेशा लेंगे, यानी ये इसका जो प्रूफ आता है वो लेस देन वन पे ही होता है प्रूफ, तो इस चीज को हम ध्यान करेंगे न्यूमेरिकल्स में। एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन, ये जो प्रूफ होता है इसमें एक कंडीशन ली जाती है कि जेड की वैल्यू जो मॉड जेड होता है वो हमारा भी है ये लोग से मार्क भी है, आप देख भी रहोगे वन माइनस जेड का मतलब क्या हो गया, जेड इज लेस देन वन, तो इसका हम बहुत यूज करते हैं में, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जैसे लिखा है वन प्लस जेड प्लस टू सो ऑन, इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे कि समेशन एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी और जेड की पावर एन, इसी तरीके से जेड के माइनस वन की पावर एन जेड की पावर एन, और वन प्लस जेड का होल इनवर्स को लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में कि माइनस समेशन एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन की पावर एन जेड की पावर एन।
ये समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर, ये समझ सर, ये सर, ये आपने यहाँ लिखा है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिखा है 1/2 pi/2, इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ ये आप चीज पूछ रहे हैं, इस ये जो है ये हम तब यूज करते हैं अगर हम यहाँ पे आपको वो बताते क्या प्रूविंग, प्रूविंग जब हम आपको बताएंगे तब इसमें सब यूज होता है। यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आती an और bn की, ये वैल्यू 1/2 pi क्लोज इंटीग्रल c1 f w upon w minus a की होल पावर n प्लस 1। ये जब हम प्रूव करते हैं यहाँ पे an और bn की ये an is equal to this and b is equal to this, यहाँ पे an और bn की ये वैल्यू निकल, समझ रहे हैं? Yes, sir, ठीक है। ये जो हम प्रूफ करते हैं, ये आपके प्रूफ है नहीं कोर्स में, अगर प्रूफ सिलेबस के कोर्स में होता तो हम फिर पूरा बताते। आपको यहाँ पे समझना क्या है, आपको ये जो रेड पेन से लिखा है ये समझना है, ठीक है? दूसरी चीज ये जो इसको लिख सकते हैं एन इक्वल टू, यस सर, दूसरी चीज ये है कि ये जो प्रूफ है यहाँ पे, इस प्रूफ में आपका जो ये होता है ये हमेशा लेस देन वन पे प्रूफ होता है, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल में कुछ भी आएगा उसको, अब हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं तो समझ में आएगा। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल है, लिखा है एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू 1/z + 1 z + 3 इन लॉरेंट सीरीज। हमको 1/z + 1 और z + 3 जो है एक्सपेंड करना है, लेकिन लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड करना है। अगर यही कह देते टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना है, लेकिन उसके लिए आपको इनइक्वालिटी नहीं होती, इक्वल टू होता, जेड इक्वल टू 1 z = 2, समझ गए हैं? जिससे इससे पहले जो न्यूमेरिकल कराए थे टेलर सीरीज के, लेकिन इन्होंने लॉरेंट सीरीज से कहा है। अब इसके लिए देखिए सर, हम सबसे पहले काम यहाँ पे इसी न्यूमेरिकल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं। जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं 1/z + 1 z + 3, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1/z + 1 - 1/2 ब्रैकेट में 1/z + 3। ये अलग अलग ब्रेक करना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मॉड जेड, यानी मॉड जेड की वैल्यू जो है 1 और 3 के बीच में लाई करती है, तो मॉड जेड की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करने का मतलब हो गया इसके दो सर्किल हैं। जैसा लॉरेंट सीरीज में क्या है, दो सर्कल, एक C1 एक C2 जिसकी रेडियस R1 R2 है, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी 3 और 1 हो, यानी उसके जो डेंस पोर्शन में है वहां पे जेड लाई कर रहा है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको अलग अलग ब्रेक करते हैं, यानी पहले पोर्शन यानी ये आपका एफ जेड क्या है, एफ जेड है आपका 1/z + 1 और z + 3 है, ठीक है? इसको हमने उससे ब्रेक कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दिया। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि मॉड जेड की वैल्यू जो है 1 और 3 के बीच में है, तो हम एक एक पार्ट लेंगे, यानी यहाँ पे पहला इसको लिखेंगे सिंस 1 इज लेस देन मॉड जेड, एक लिया है,
मैंने आपको बताया था हमेशा ये लेस देन वन पे प्रूव भी होता है, तो इसको लेस देन वन करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन मॉड जेड इज लेस देन वन। अब दूसरा देखिए, दूसरा है मॉड ऑफ जेड इज लेस लेस देन थ्री, तो इसको भी लेस देन वन करेंगे तो मॉड जेड अपॉन थ्री इज लेस देन वन हो जाएगा, यानी एक ये आएगा और एक ये आएगा। समझ गए हैं? अब यहां पे देखिए, अब यहां पे इन दोनों को गौर से देखिए, यहां पे काम क्या करेंगे कि यहां पे वन अपॉन जेड हो, यानी यहां पे हम जेड कॉमन लेंगे तो वन अपॉन जेड होगा, लेकिन यहां पे जेड बाई थ्री है तो यहां पे थ्री कॉमन लेंगे, तो इसलिए ये जो बनेगा यहां पे ये हो जाएगा वन अपॉन टू जेड, जेड हमने कॉमन लिया और ये ऊपर चला गया तो हो गया वन प्लस वन बाई जेड का होल इनवर्स। फिर यहाँ पे क्या है, हमने थ्री कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि जेड बाई थ्री है इस पोर्शन में, तो हो गया वन प्लस जेड बाई थ्री का होल इनवर्स। ये चीज करनी होगी, यानी ये दोनों को अलग अलग ब्रेक करना होगा, लेकिन लेस देन वन पे ही ये प्रूव भी किया जाता है। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल में हमेशा इसकी जो इनक्वालिटी है अकॉर्डिंग हम कॉमन लेंगे, तो यहां पे कॉमन जो लेंगे वो क्या लेंगे, जेड लेंगे, क्यों, क्योंकि वन अपॉन जेड होना चाहिए नीचे और ये पूरा पोर्शन ऊपर चला गया तो इनवर्स में आ गया है। इस तरीके से यहां पे हम थ्री कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि जेड बाई थ्री है तो ये पूरा पोर्शन इससे होगा, तो देखिए ये वन बाई जेड के अकॉर्डिंग हो गया है और ये जेड बाई थ्री के अकॉर्डिंग हो गया है। अब ये लॉरेंट सीरीज से इसको हम ओपन करते हैं, समेशन लिख देंगे। अब इसका जो हम समेशन लिखेंगे